और आवाज की दूसरी बड़ी खबर का रुख करते हैं। दिल्ली में केजरीवाल के 400 कार्यकर्ताओं ने एक साथ पार्टी छोड़ दी। कार्यकर्ता नई दिल्ली से आशीष खेतान को टिकट दिए जाने से नाराज थे। इन सब ने मिलकर आम आदमी सेना नाम का संगठन बनाया है। ये विरोध है केजरीवाल का। दिल्ली के पंडारा रोड पर केजरीवाल के विरोध में आवाज बुलंद हो रही है। एक साथ 400 लोगों ने आम आदमी पार्टी छोड़ दी। केजरीवाल का साथ उनके ही सहयोगी क्यों छोड़ रहे हैं, समर्थकों से ही सुन लीजिए। केजरीवाल को हमने इतना भरोसा किया, ईमानदार बंदा है, ईमानदार साथ में हम उसके साथ में रहे थे। हमने दिन रात करके उसके वोट मांगा, सब गलियों गलियों में जाकर वोट मांगा, लेकिन वो तो इतना चोर निकला की हद से ज्यादा। केजरीवाल पे बहुत भरोसा किया हमने की ये घर घर आके, हमने घर घर जाकर रात में लोगों से दरवाजे खटखटाए, वोट मांगे घर के, केजरीवाल को वोट देना, केजरीवाल वोट देना, कि हम गरीब हम सब मिलकर वोट सहायता करेंगे केजरीवाल की। लेकिन इसने हमारे साथ में बहुत धोखा किया, न पानी न बिजली कुछ भी नहीं। हम रिश्ता तोड़ते हैं केजरीवाल से, बिल्कुल हम नाता तोड़ते हैं बिल्कुल। आम आदमी पार्टी ने इतने वादे किए हमारे साथ में, केजरीवाल ने झुग्गियों में जा जाके इतने वादे किए कि मैं ये करूंगा या वो करूंगा, पानी की प्रॉब्लम, बिजली की प्रॉब्लम, अभी तक तो कोई सी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है। नई दिल्ली सीट से जो है लोग आम आदमी सेना को ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि आम आदमी सेना एक पार्टी नहीं है, आंदोलन का नाम है। और अरविंद केजरीवाल ने जिस दिन सरकार गिराई थी, ये आंदोलन उस दिन पैदा हो गया था 11:30 बजे रात को। लोगों के अंदर एक गुस्सा, जो उन्होंने कहा कि लोगों के अंदर लहर है, गुस्से की लहर है, तो ये करना क्या चाहते हैं? क्या उस गुस्से को हवा देना चाहते हैं ताकि इस देश का माहौल बिगड़ जाए? आखिर वो करना आम आदमी का नाम लेकर के वो लोगों को क्यों भ्रमित कर रहे हैं? ये कार्यकर्ता कल तक केजरीवाल के लिए वोट मांग रहे थे, लेकिन अब ये कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी से निकलकर आम आदमी सेना नाम के संगठन से जुड़ रहे हैं। जिस नई दिल्ली विधानसभा सीट से अरविंद केजरीवाल चुन के आए थे, उसी नई दिल्ली विधानसभा के काफी ज्यादा लोग यहां हमारे साथ मौजूद हैं। तकरीबन 400 से 500 लोगों का ये पूरा एक झुंड है जो कि आम आदमी पार्टी से काफी वक्त से जुड़ा था। अब इनका विरोध है, जिस तरह से पार्टी काम कर रही है उसको लेकर इनका विरोध है, टिकट के बंटवारे को लेकर इनका लगातार विरोध है, और ये अब आम आदमी सेना बन चुकी है। क्या है इनका एजेंडा जानते हैं, आप बताइए किस बात को लेकर आपकी नाराजगी है? हर चीज को लेकर नाराजगी है। आप देख लेना, जिनके इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में वादे करे थे वो सारे जुटला दिए। इन्होंने बोला वीआईपी कल्चर को बढ़ाने दे, सबसे पहले खुद वीआईपी बनके 5 सितारा होटल में बैठ के खाना खाते हैं। दूसरी बात, एक एक टिकट दिल्ली की या कहीं की भी देख लिए कि हर वीआईपी को मिली है, जबकि ये खुद आम आदमी थे, इनको कोई जानता नहीं था, लेकिन दिल्ली के लोगों ने इनको अपने सर पे चढ़ाया, इनको दिल में बताया और आज इन्हें वीआईपी बना दिया। लेकिन इन्होंने दिल्ली की जनता को बार बार धोखा देते रहे हैं और अभी भी धोखा देते जा रहे हैं। इनसे कुछ पूछो तो उसका जवाब नहीं देते, सबसे जवाब मांगते फिरते हैं। आप क्या करेंगे, लोकसभा इलेक्शन है, आशीष खेतान नई दिल्ली से उनको उम्मीदवार बनाया गया। आशीष खेतान जी नहीं जीतेंगे, ये नई दिल्ली के लोग उन्हें बिल्कुल नहीं जानते, वो एक शरीफ आदमी को जानते हैं। केजरीवाल की कथनी और करनी का अंतर तो बहुत पहले ही दिख रहा है, लेकिन अब तक आंख मूंद कर केजरीवाल का साथ दे रहे कार्यकर्ताओं को उनकी असलियत का अंदाजा हो गया है। यही वजह है कि बड़ी तेजी से लोग केजरीवाल का साथ छोड़ रहे हैं। अभिषेक पांडे, दिल्ली, इंडिया न्यूज़।